बहुत शुक्रिया। इतने बनता है सारे खानदान ने मिलके पाला, बैठो बैठो लिहा डाला। बैठो बैठो लिहा डाला, मार डाला मार डाला। अच्छा मैं भी कह रहे हैं कि एडे साइज दे ते मैं देखे नहीं सी कदी, वो ए लेके आ रहे हैं। ओदे हिसाब च ए भी वो मोढ़े ते रख के ले आया होना। हां साहब जी, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। तू वापस लेना है। नहीं मैं वापस क्यों ले? चार सवार में ले आके बेड बना लिया। तेरे घर उस दिन कस्टर्ड बनया, मैं तेरे घर के सालन बनया, कहता हिल लेना ला। हालांकि घर जो जो अज भी तूड़ी निमको कहते हैं। यार मैं दूध लेने पे जाए कढ़ाई थोड़ा वापस आके तो दुकान बंद है। आपने हाफ सेट चाय मंगाई हो जी, उसके साथ दो कप जी, छोटी सी चैनक, बिल्कुल जहाँ से चैनक पकड़ते हैं जहाँ से चाय निकलती है, देखो जहाँ से चाय निकलती है वैसा तो तुम्हारा मूड नहीं है। तो फिर कैसा है? वो जड़ी कागज ही बना के दे के चुंज नहीं देंदे चाय। कभी आप जूती सिलवाने गए हो मोची के पास? जी मोची के पास पायन उधर ही आया है। मोची के पास आके तीन मुंह वाला पड़ा होता है जी, तीन मुंह वाला पड़ा होता है जिसके ऊपर वो बूट चढ़ा के कील लगाता है। ऐसे ही है। देखो उस जैसा तो आपका मुंह नहीं है। तो फिर किस जैसा? वो जड़ी बूट दे वेच दे के सूत्र पा के आया ना। मैंने सारे घर की फिटिंग ही इत्थे करके कराती है। काका इधर आ जा, तेरे सौण का टाइम होया। माशाल्लाह भानी साहब, सखावत साहब और सरदार साहब बड़े मंजे हुए कलाकार है जी। हनी साहब एक दफा कहते जी मैं वाल लुवाने ने। अच्छा। इन्होंने वाह वाह कोई पुराने जमाने की विग लुवा ली चीर। मोटरसाइकिल जा रही है बंदा। पिछे घबराया इंजन की हो की रहा है सर, अच्छा, अच्छा, अगला दिन विग नहीं सिद्धी की थी। हैंडल पुठा लवा ले। पायलट होंगे जहाज के, जहाज चला के उत्ते जाके तो जहाज को पुठा करके नाल दे कहने ए मेरा घर ही। सर पहले तो ये कि मुज़ाकरात में आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके आने से जो एनर्जी हमारे सेट पे इस वक्त महसूस हुई है हम सबको, बार बार इज्जत की बात हो रही है, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है, अल्लाह ऐसे ही किसी को इज्जत नहीं देता। अरे आपका टैलेंट जो सालों से पूरा पाकिस्तान देखता आ रहा है आज फिर
उसकी एक मिसाल आप सबने देखी माशाल्लाह। जफरी खान अपने स्टाइल का मुनफरिद फनकार, माशाल्लाह। इन्ने लोगों के विच आ के अपना नाम बनाना उस वेले च बंदे का काम सी कि जिहड़ा अपना स्टाइल अपना तरीका ते अपनी गल लैके आवे। ते जफरी खान उन्हां फनकारां च शामिल हुंदा जिहड़े रश दे विच आ के अपने आप नूं मनवाया। क्या बात है, वर स्टाइल और अपने तर्ज दा बिल्कुल डिफरेंट फनकार, इन्होंने अपने आप नूं रश च मनवाया। एक दिन मैं देखा काफी राशी उथे अपने आप नूं मनवाउण माशाल्लाह भी बड़े पुराने ने। अच्छा जी, चंडा ना जंगा होंदी होंदी सी। जितने आप खुश लगते हैं, क्या आप जिंदगी में इतने खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से टूटे हो या जिंदगी का कोई इम्तिहान चल रहा हो, तब ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं? बस थोड़ा सा होता है कभी कभार, लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये हमारी प्रॉब्लम है। बंद करा दिए? नहीं, जब भी ये जलती है ना जी, ये जब फेस पे पड़ती है ना, फिर वो पीछे अंदर घर बार ये वो सब भूल जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जफरी अपने घर बैठा जी, किसी ने लाइट बाल दी भूल गया, मैं कितने बैठा। अबे नु ताया कही जावे, भूल जा गया मैं कितने बैठा। मामा कही जावे, शुक्र है तुम। भाभी नूं कहना पैणा मैं तैनूं कितने वेख लिया। चलो गल सुनो, ओए थोड़ा थोड़ा अख ला लो तेरा, दो मिनट। बस ओदो चंद चौरस हुंदा सी। ड्रामा कर रहे सरदार साहब, माशाल्लाह है तो हमारा हीरो जी, हमने ऐसे स्क्रीन पे देखा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन पे देखा और हमने टिकट ली हुई है फिल्म देखने के लिए, तो ये तो अपनी जगह, लेकिन हमारी इज्जत की जगह पे तो इन्होंने जीन शीन पहनी, मणके छड़के कड़ी कुड़ी ते इंज पा हीरो पूरे, ते मैं ते साजन खलोते हुए, ते मैं इंज ना इन्होंने इंज बुआ खोलिया महफिल, ते इंज विंग च वड़े ने, ते मैं कहा ओए वेख साजन अपने वक्त दे हीरो, अपना केड़ा वक्त है। पूरी दुनिया में परफॉर्म किया सर, अलग अलग ममालिक में गए, फिल्म्स भी की, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? लाहौर में डेफिनेटली। जफरी साहब घर पानी पीने लगे, किसी ने लाइट बाल दी। अच्छा, पीने की बजाय सिर च पा लिया। पाकिस्तान में अवार्ड सेरेमनी करवाई जाए और उसके करते धरते आप हो, एक ही अवार्ड है पाकिस्तान में, सबसे ठंडी जुगत करने वाले को देना हो तो किसको देना होगा? और आप सियासी जवाब नहीं देते, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं, इस बात का हमें भी पता है, आपका सच आपके मुंह पे होता है, आपने कभी सच बोलने से गुरेज नहीं किया, आज भी नहीं करेंगे, किसको देंगे? वो तो फिर कि नहीं निकल आने आपके जितने फैंस हैं, सबसे यादगार और खूबसूरत फैन जिसने आपका खून बढ़ा दिया हो सर, जो अपनी जिंदगी का यादगार फैन, जिसने ब्लड डोनेट किया था आपको। ये पिछले दिनों मैं गया हुआ था न्यूजीलैंड, वो एक रेस्टोरेंट था उसका इफ्तिताह करने के लिए, कोई ड्रामा या शूटिंग नहीं थी, वैसे ही गया था, और वहाँ पे एक सरदार जो है ना अपना फोन तोड़ बैठा था, उसकी स्क्रीन टूट गई थी, मुझे जब भी पा गए तो उसके ऐसे ऐसे कर रहा था, कहना कि मैं
मैंने यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक्साइटेड है ना। जफरी साहब आपसे बहुत प्यार करता है पाकिस्तान। ऐसा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मैं अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूँ। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जफरी भाई दरवेश दिल के भी अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं। एक जगह इन्हों की लड़ाई हुई, अच्छा इन्होंने चपेड़ मार ली, हाथ चुकया किसी ने लाइट बालती, ये भुल गए उन्होंने मारनी कि अपने आप को मारना।